रीवा दर्शन की पूरी टीम मौजूद रही। आइए देखते हैं बातचीत की कुछ झलकियां। आपका अब तक का सफर, आपकी शुरुआत कैसी थी? जब मुझे कोई सवाल करता है तो मैं थोड़ा सा हैरान रह जाता हूँ कि अब तक का सफर कैसा रहा। बहुत ही अच्छा रहा और शुरुआत हुई और कड़ी में कड़ी जुड़ती चली गई। मैं मुंबई आया, मुंबई आने के बाद में काफ़ी स्ट्रगल किया और काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद में मुझे ब्रेक मिला। और स्ट्रगल से भी पहले मैंने ये नहीं सोचा था मैं कि मैं प्लेबैक सिंगर बनूंगा या फिल्मों में गाऊंगा। बस घर में क्योंकि म्यूज़िक का माहौल था तो मैंने सोचा था कि एक सिंगर बनूंगा, अच्छा सिंगर बनूंगा और वर्सेटाइल बनूंगा। अब फिल्म लाइन में जाऊंगा ये नहीं पता था, लेकिन यहाँ आया और यहाँ आने के बाद थोड़ा नज़रिया चेंज हुआ और थॉट प्रोसेस चेंज हुआ। उसके बाद में सोचा कि फिल्मों में जाना चाहिए। आपने बहुत सारे लोगों के लिए गाया, खान ब्रदर्स, खान तीनों खानों के साथ गाया, ऋतिक रोशन के साथ गाया, आपको सबसे ज़्यादा मदद किसके? देखिए मेरा काम गाना है, मैं किसी के लिए भी गाऊँ और मुझे सभी के साथ मज़ा आता है क्योंकि सारे जितने भी एक्टर हैं, जितने भी स्टार्स हैं, उन सबका एक अपना स्टाइल होता है। तो हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी बन जाती है कि ना उस एक्टर का जो एक पर्टिकुलर स्टाइल है वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर हमारी वॉइस मैच हो, उसके ऊपर कहीं ना कहीं हमारी उसका जो स्टाइल है वो हमारे गाने में पैदा हो, तो सभी के लिए मज़ा आता है। जैसा कि हमें मालूम है कि आप एक अच्छे क्रिकेटर भी रहे हैं, आपके कपिल देव, वो सचिन तेंदुलकर आपके फेवरेट खिलाड़ी हैं, हम लोगों ने थोड़ी सी आपकी, मैंने क्रिकेट तो खेला नहीं लेकिन है ना मैं क्रिकेट का शौकीन बहुत जी और किन चीज़ों का शौक रखता है? मुझे ऑफकोर्स खाना खाने का बड़ा शौक है, मुझे क्रिकेट का बहुत शौक है, मुझे नई नई जगहों पर जाना बहुत अच्छा लगता है, घूमना बहुत अच्छा लगता है, आउट ऑफ इंडिया कहीं जाने को मिलता है, घूमते हैं बहुत ज़्यादा। ये प्लस मैं मेरी फैमिली को भी लेकर कहीं हॉलीडेज पे चला जाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है थोड़ा आउटिंग ज़्यादा। आपने GTV के कई कार्यक्रमों का आपने रियल सिंगिंग में रुकी है जी, तो TV और फिल्मों में क्या अंतर? देखिए फिल्मों की वजह से हमें TV मिला, क्योंकि अगर मैं गायक नहीं बनता, मेरे गाने पॉपुलर नहीं होते, लोग मुझे ना जानते, तो मुझे TV नहीं मिलता। तो फिल्मों की अपनी एक जगह है और फिल्मों में गाया इस वजह से मुझे लोग जानते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वो एक अलग, उसका एक मुकाम है, उसकी एक अपनी जगह है। और TV के माध्यम से मुझे लोग चेहरे से जानते हैं, क्योंकि लोगों ने मेरी आवाज़ सुनी थी लेकिन मुझे जाना नहीं था, मेरी पर्सनैलिटी को नज़दीक से नहीं देखा था। लेकिन TV के माध्यम से आप लोगों के घर घर तक पहुँचते हो, लोगों के दिल में पहुँचते हो और लोग आपकी जो छवि लेकर घूमते हैं उनको पता चलता है कि आप वाकई में कैसे हो, अच्छे हो या बुरे हो। कुछ और ऐसा जो हम लोग को नहीं पाते? बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मैं करंटली अपने कुछ सिंगल्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ और फिल्मों में भी गा रहा हूँ, ऑफकोर्स कुछ नए नए तरीके के कॉन्सर्ट्स कर रहा हूँ, जिसमें से मैं सूफ़ी एक कॉन्सर्ट अलग से करता हूँ, सूफ़ी रफ़ी विद सूफ़ी एक कॉन्सर्ट मैं अलग करता हूँ, एक कॉन्सेप्ट है ये अलग। इसके अलावा मैं गज़ल्स का भी एक अलग कॉन्सेप्ट करता हूँ और इसके अलावा बॉलीवुड का तो मेरा है ही क्योंकि लोग मुझे बॉलीवुड से जानते हैं। इसके अलावा मैं ट्राई करता हूँ कि डिफरेंट तरीके से क्या क्या मैं कर सकता हूँ, जैसे इंडिपेंडेंट म्यूज़िक का भी बहुत दौर है, तो मैं सोच रहा हूँ कुछ अलग अलग नई नई चीज़ें जो मेरे स्टाइल में मेरी आवाज़ में लोगों ने नहीं सुनी वो मैं एक्सपेरिमेंट के तौर पे कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, वो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। ये कब तक हम लोग के बीच में पहुँचेगी? ये तो धीरे धीरे पहुँच ही रही है, क्योंकि पहला मेरा सिंगल रिलीज़ हुआ अंग्रेजिया, उसको बहुत सक्सेस मिली। उसके बाद अभी दूसरा मेरा एक सिंगल अभी रिलीज़ होने वाला है 12 तारीख को, वो एक आएगा, फिर फिल्मों के गाने आएंगे, तो ऐसे करते करते आते जाएंगे। रीवा आप आए, आपने अभी रीवा में कुछ देखा नहीं? तो क्या कुछ ऐसा है कि कल रुकने का कुछ इरादा? नहीं, कल रुकने का तो इरादा एक्चुअली मन तो बहुत था, क्योंकि मैं टाइगर सफारी देखना चाहता हूँ, क्योंकि मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क बहुत मशहूर है, बांधवगढ़ बहुत मशहूर है, बट मुझे इसका अंदाज़ा नहीं था कि वो इतनी नज़दीक है यहाँ से।
बट नेक्स्ट टाइम अगर मैं आया और लोगों का प्यार मिला और मुझे बुलाया गया तो मैं एक दिन एक्स्ट्रा लेकर आऊँगा और मैं यहाँ पर रुकूँगा और वो सारी चीज़ें लेकर आऊँगा।